राष्ट्रीय लोकदल के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। रोहित जी आपका स्वागत। चेहरा क्यों उतरा हुआ आज? नहीं विजय जी, केजरीवाल को बाहर देख के नहीं, आपके चेहरे पे तो कुछ हवाइयां उड़ रही हैं। ऐसा क्या कर दिया केजरीवाल ने? नहीं नहीं, हमें तो खुशी है ब्रिजेश जी कि 4 जून को कम से कम ये नहीं कह पाएंगे कि केजरीवाल बाहर होते तो क्रांति कर लेते। तो कम से कम अब 4 जून को जब रोएंगे तो साथ मिलके ये लोग रोएंगे, और केजरीवाल जी तो 1 तारीख को सबसे पहले भागेंगे, कहेंगे भैया मुझे जेल में ही रख लो, जेल में ही रख लो, क्योंकि वही बेहतर है। देखिए केजरीवाल जी की पार्टी जो है, इन्होंने जब 2012 से 2014 का एक आंदोलन किया था तो देश ने ऐसा समर्थन इनको किया था, और खासतौर से मीडिया ने ऐसा समर्थन किया था। मीडिया नॉर्मल कोर्स में कमर्शलाइज्ड मीडिया होती है, प्राइवेट मीडिया, जो कि अपने एडवर्टीजमेंट का भी सेक्रीफाइस नहीं करती है, परंतु मीडिया ने अपने एडवर्टीजमेंट तक सेक्रीफाइस किए थे ये सोचते हुए कि शायद सच में देश में एक क्रांति आने जा रही है, क्योंकि इनका समर्थन सब ने किया था, पूरे देश ने किया था, और जो देश की भावना को के साथ इन्होंने धोखा देने का काम किया। ये कब पता चला आपको कि ये धोखा दिया? ये तो जनता को दिख रहा है ना। आपको कब जो कहा करते थे आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, वो आरोप लगने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे पाए। जो कहा करते थे कुर्सी से इतना प्रेम नहीं होना चाहिए कि कुर्सी से कैसे उतरोगे भाई, तो वो तो कुर्सी से आज तक नहीं उतरे। देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में गए, आज होके बाहर भी आए और मुख्यमंत्री होके बाहर भी आ गए, लेकिन बाहर खाली चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है, स्पेशल कंडीशन में बाहर भेजा गया। कंडीशन कम से कम पहला उदाहरण होगा जी जी कि एक व्यक्ति जेल मुख्यमंत्री बन के जेल गए और मुख्यमंत्री बनकर जेल से बाहर आए तो आप सोचिए जनता की भावना। पर मुझे लगता है कि साथ कितना मजाक है। एक न्यू नॉर्मल इस देश में हो जाएगा दुबे जी कि अब कोई जेल वेल जाएगा भैया इस्तीफा देगा नहीं, आज नहीं कल जमानत होगी। मुझे नहीं लगता कोई बाध्यता। ब्रिजेश जी देखिए अब तो ये न्यू नॉर्मल है। नहीं देखिए ऐसा है, पीछे 6 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो मुख्यमंत्री रहते हुए जिनको जेल जाने की नौबत आई थी तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया। उसके अंदर हेमंत सोरेन जी भी थे जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया जाके गवर्नर हाउस में, क्योंकि नैतिकता भी तो होनी चाहिए। ये नैतिकता देखा था, फुल फ्लेजेड मेजोरिटी थी और सिर्फ हुबली में एक चार्जशीट दाखिल हो गई थी बिचारी के खिलाफ, चार्जशीट, और उन्होंने इस्तीफा दिया और तब वो जेल गई। तो देखिए ये नैतिकता भी तो होनी चाहिए। राजनीति में कुर्सी प्रेम इतना जबरदस्त कि जेल में मुख्यमंत्री की कुर्सी ले जाओ, मतलब उसके बाद दिल्ली में भेज दो अपनी आत्मा। मैं तो दिल्ली का अपना कार्यक्रम मैंने कैंसिल कर दिया। जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ब्रिजेश जी देखिए इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए राजनीति। तो आपका स्वार्थ क्या इम्पोर्टेंट था, उनका इस्तीफा देना? या देखिए राजनीति में सुचिता तो होनी चाहिए, कम से कम अपने शब्दों पे तो रहना ही चाहिए आपको। अगर आप अपने अपने शब्दों पे नहीं रहेंगे तो कम से कम फिर क्या है, मतलब आप जनता की सेवा के लिए आए। राजनीति का मतलब क्या है? राजनीति का मतलब क्या है? पॉपुलर है रवन्ना, नहीं आप ना बोलो बीच में। नहीं नहीं देखिए राजनीति का मतलब क्या है, एक आपको मजे की बात बताता हूँ। आपके पैनल पे कांग्रेस नदारत है, ये सिर्फ आपके पैनल पे नहीं नदारत है, वो हिंदुस्तान के सारे मीडिया चैनल से नदारत है, क्योंकि गठबंधन होने के बावजूद तो केजरीवाल को डिफेंड नहीं करना चाहते। तो सही, मैंने आज बुलाया नहीं कांग्रेस को। नहीं वो कई चैनलों ने उनको नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, कई चैनलों ने उनको नहीं बुलाया, उनका काम आपको बुलाया। दिल्ली में गठबंधन केजरीवाल का कांग्रेस का, पंजाब में गठबंधन कांग्रेस का गठबंधन केजरीवाल के साथ, और स्थिति क्या है कि कांग्रेस कह रही है हम नहीं डिफेंड कर पाएंगे ऐसे व्यक्ति को, तो आप खुद समझ सकते हैं क्या चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो कह रहा हूं ये आनंद है जनता के लिए कि अब कम से कम ये केजरीवाल 4 तारीख को ये नहीं कहेंगे कि हम बाहर होते तो क्रांति करते। आप जुबान वाले नेता हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार जिसको जुबान दे दी फिरते नहीं, एक बार जिसको जुबान दे दी वो हम बिल्कुल टिकते हैं। और हमने 2022 में जुबान देने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ हम इनकी 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 गुंडाई देखते हुए भी हम इनके साथ टिके, इनकी जबरदस्ती कर देखते हुए भी हम इनके साथ जुबान देके नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं पलटते, हम बिल्कुल नहीं पलटते, हम पटकते हैं, हम पलटते नहीं है, हम पटकते हैं। हम जहां थे हम राष्ट्रीय लोकदल में थे, राष्ट्रीय लोकदल में है, राष्ट्रीय लोकदल के लिए ही, किसानों के लिए ही संघर्ष। धन्यवाद। क्यों हंस रहे हो आप इतना? नहीं, नहीं हंसो नहीं।